गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उजर शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है आपकी यूनिट थर्ड की बारी, प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की। तो थर्ड यूनिट बेसिकली आपका जो है वो है मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए उसके कंटेंट्स को देखते हैं और उसके और भी जो एलिमेंट्स और जो हेडिंग्स हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद से इसका कंसेप्चुअल बेस देखेंगे। मेन है मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक। और मटेरियल हमेशा भाई रॉ मटेरियल की बात है तो भाई रॉ मटेरियल किस लिए यूज होता है? प्रोडक्शन पर्पस लिए यूज होता है, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल मंगाया लेकिन हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया खुले में, बारिश हुई या कोई फिजिकल डैमेज कुछ हुआ, ठीक है। इसकी वजह से लॉस किसका हुआ? अपना हुआ ना, यानी जिसने मटेरियल मंगवाया है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए उसका नुकसान हुआ, ठीक है। अब अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करके अगर रखते, उसे कहीं स्टोर करके रखते, कहीं मतलब उसमें किसी बंद कमरे में रखते, तो ना वो बारिश से भीग के खराब होता, ना ही किसी फिजिकल डैमेज की वजह से, यानी किसी मैनमेड डैमेज की वजह से खराब हुआ होता, ठीक। इसी को ही हम मैनेजमेंट में डालते हैं कि जो सामान हमने पास मंगवाया है हमने उसे कितने अच्छे से उसका ध्यान रखा, उसकी केयर की, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल को हमने किसी रूम में रख दिया होता और जब जरूरत होती तब हम उसे निकालते, तो जाहिर सी बात है हमें उसी फॉर्म में वापस वो मिलता जिस फॉर्म में हमने उसको मंगवाया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं। इन्वेंट्री का जो वर्डली मीनिंग होती है वो होती है स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स में हमेशा फिनिश गुड्स आते हैं, ठीक, जो कि सेलेबल गुड्स होते हैं, जो कि आपको शॉपिंग मॉल्स या नॉर्मल किराने की दुकानों पर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सामान बेच रहे थे, हमने देखा कि धीरे धीरे सामान खत्म हो रहा है, हमने कहा भाई और ऑर्डर लगा दो, जब तक मैं वो आएगा तब तक मैं ये स्टॉक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमने परचेज ऑर्डर लगा दिया, उधर से इधर हम सेल भी कर रहे हैं, ठीक। जो हमने ऑर्डर लगाई थी इन्वेंट्री की वो आ गया, हमने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टोर करने के बाद हमने उसको कहीं अच्छे से रखवाया, यानी वेयरहाउसिंग की, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है वेयरहाउसिंग की, ठीक। उस वेयरहाउसिंग के बाद हम जब चाहेंगे तब धीरे धीरे सामान निकालते रहेंगे और बेचते रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल स्टॉक सॉरी ओवरऑल मटेरियल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही है कि मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम बेसिकली ऑर्डरिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग, परचेजिंग, सेलिंग, इन्हीं सब चीजों को हम इसमें कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दिया। अब आइए बात करते हैं उस कंसेप्चुअल बेस की जिसके बेस पे आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है दैट मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग ए कंपनीज इन्वेंट्री, जो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। फिर है दीज इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स एज वेल एज वेयरहाउसिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि ये प्रोसेस है जिसमें ऑर्डरिंग, दैट्स नॉट अगेन, तो मेन है कि मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग ए कंपनीज इन्वेंट्री, मतलब भाई अगर ऑर्डर है, स्टोरिंग है, उसके बाद यूज भी तो करोगे मतलब फर्दर सेल आउट के लिए। और दूसरा है इसमें उन एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आता है, कॉम्पोनेंट्स आता है। कॉम्पोनेंट्स का मतलब है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर बेच रहे हैं या मोबाइल बेच रहे हैं, तो उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, स्क्रीन अलग होती है, हार्ड बॉडी अलग, मतलब हार्डवेयर अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग होता है, टच स्क्रीन अलग होती है, चार्जर अलग, बैटरी अलग, सब कुछ, ठीक। तो वो कंपोनेंट भी आता है, उसका भी मैनेजमेंट है। दूसरी बात फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट में वो और प्रोडक्ट है जो कि जिसको एग्जैक्टली हम अपने हाथ में लेते हैं, ठीक, ये मानकर एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक। इसके अंदर के कंपोनेंट क्या है? पहला ये पेंसिल निब है, फिर अगर हम ये जो काला वाला पोर्शन इसको खोलेंगे तो इसमें अंदर से एक वो निकलेगा, जैसे स्केच पेन में अंदर वो इंक भरे वाली रिफिल्स होती है वो निकलेगी, ठीक। ये कैप निकलेगा, ये सारे कॉम्पोनेंट्स को जब जोड़ देंगे तो ये एक मार्कर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में, और उसके साथ साथ उसकी वेयरहाउसिंग, यानी इसको कहाँ स्टोर करके हम रखेंगे, और दूसरी बात उसकी प्रोसेसिंग। वेयरहाउसिंग के बाद प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब जरूरत होगी तब हम उसको बाहर निकालेंगे, ठीक। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। आइए इसके देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक, जो कि आपके मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जस्ट एक अब आपके सामने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। इस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग में से की चार तरीके हैं, सॉरी फाइव वेज हैं, जिसके से पहले दो मैं सामने रख रहा हूँ आपके।
सबसे पहले जॉब मेथड है। जॉब मेथड का मेन मतलब है ये पर्टिकुलर टास्क पे काम करता है, ठीक है। मार्केट में अलग अलग तरीके के कस्टमर्स हैं, ठीक, जिनके प्रेफरेंसेस और चॉइसेस भी अलग अलग होती हैं, और हम एक ही सिंगल पैरामीटर पे सारे कस्टमर्स को डील नहीं कर सकते, ठीक। कोई बहुत ज्यादा चूजी होता है, कोई बहुत ज्यादा ठीक है कुछ भी है दे दो चलेगा, कुछ होते नहीं, हमें वही चाहिए, हमें वही चीज चाहिए, वही कंटेंट चाहिए, ठीक। तो जो चूजी टाइप के लोग होते हैं उनके लिए कंपनी को अलग से काम करना पड़ता है, ठीक। उसी के लिए जॉब मेथड की कैटेगरी में रखा जाता है उसको। मेन है इट इंक्लूड्स द टास्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विच इज हैंडल्ड बाय अ सिंगल वर्कर और बाय अ ग्रुप। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो जाहिर सी बात है सिंगल वर्कर यानी एक ऐसे वर्कर ऐसे ग्रुप को दे दो जो कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को संभाल सके, ठीक, और उसको मैनेज करने के बाद वो एग्जैक्टली वही चीज प्रोड्यूस कर सके जो कस्टमर चाहता है, ठीक है। फिर यूजुअली यूज व्हेन कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ये देखिए यहाँ पे है कस्टमर स्पेसिफिकेशंस आर एसेंशियल इन द प्रोडक्शन, यानी कस्टमर जो चाहता है हमको उसको वही प्रोवाइड करना होगा उस प्रोडक्ट में, इसके लिए हमको जॉब मेथड की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। जॉब का मतलब एक पर्टिकुलर टास्क पे लगाना किसी को, क्लियर। सेकंड है फ्लो मेथड। फ्लो मेथड इसके जस्ट एडवर्स होता है, जहां पे एक सिंगल ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया सारा चीज और अब उसको मैनेज करना सब कुछ करना है, यहाँ फ्लो मेथड में ऐसा नहीं। फ्लो मेथड में एक चेन चली आ रही है, उसी चेन को धीरे धीरे करके सिंगल ओपन करके पूरा आपको करना है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि भाई उस ग्रुप के पहले जो काम हो रहा था वो एक सिंगल फ्लो में चला आ रहा था, लेकिन जब उस ग्रुप को हमने हैंडओवर किया तो वहां पे स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वर्कर्स होंगे जो अपनी अपनी जो फील्ड है जिसमें उनको काम करना उसमें वो परफेक्ट होंगे, यानी परफेक्शन के साथ काम करेंगे। ऑब्वियसली बात है अगर वो टैलेंटेड बंदा है तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक सिंगल फ्लो में चला जा रहा है और काम ऑटोमेटिकली अपने आप मतलब एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर है वर्क प्रोग्रेस एज अ फ्लो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लो मेथड, ठीक, यानी वर्क प्रोग्रेस कर रहा है एक फ्लो की तरह, जैसे पानी बहता है तो वो सीधे बहता चला जाता है, उसको रोक नहीं सकते, वैसे ही इसका भी हाल है कि ये एक बार अगर शुरू हो जाता है उसको रोकते नहीं, मतलब किसी स्पेशल ग्रुप या वर्कर को हैंड ओवर नहीं किया जाता, ठीक है। आइए अगले दो और को बात करते हैं, जस्ट एक अब आपके सामने उसी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग के अदर लास्ट थ्री टाइप्स रखे हुए हैं। पहला है मास प्रोडक्शन मेथड, इसमें गुड्स आर प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग स्टैंडर्ड टेक्निक्स। बिल्कुल मास प्रोडक्शन में होता है कि सबके लिए तैयार करना है, मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट हर कोई यूज करे, जैसे सोप है, कॉस्मेटिक है, और मतलब पीने की चीजें हैं, खाने की चीजें कुछ भी हैं, तो भाई वो मास यूज के लिए होता है, ठीक। तो इन सारी चीजों के प्रोडक्शन में हम करते क्या है, एक स्टैंडर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, एक जनरल वे पे सबको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अगला है बैच मेथड। बैच मेथड मेन है कि इसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसमें पार्ट्स पर डिवाइड करके काम किया जाता है, ठीक। क्या है ना, फॉल्स एंड बिजनेसेस दैट आर ग्रोइंग एंड ऑल्सो हैव ग्रोइंग प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। तो जितने भी ऐसे बिजनेस है जिनके ग्रोइंग प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं उनके लिए बैच मेथड होता है, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क इनटू पार्ट्स किया जाता है। यानी मान लीजिए अगर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में पांच अलग अलग काम है, तो पहला काम इस ग्रुप को, दूसरा काम इस ग्रुप को, तीसरा काम इस ग्रुप को, चौथा इसको, पांचवा इसको, ठीक। जब डिवीजन हो जाएगा तो डिवीजन की वजह से हमारा काम और इजी हो जाएगा, ठीक। अगला है और लास्ट है प्रोसेस मेथड। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस। यहाँ भी भाई है, ये लगभग कुछ हद तक इसके इक्वल है मास मेथड के। बस इतना है कि प्रोसेस मेथड मेन क्या है कि हम जैसे किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक है, फैब्रिक को जिस मशीन से तैयार किया जाता है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, क्योंकि अगर एक भी रेशा मतलब अपनी जगह से हट गया या खिसक गया तो पूरा पूरा लॉट खराब हो जाता है, ठीक। तो इन इस तरह की जो वीविंग मशीन्स होती हैं, इन वीविंग मशीन्स को बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली और बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे में ऑपरेट किया जाता है, ताकि अब जैसे यही मेरी शर्ट ही है, अगर इसको बनाते समय इसका प्रोड्यूसर इसको फॉर ग्रांटेड लेता या इसको लाइटली लेता तो शायद ये जो शर्ट इतनी अच्छी दिख रही है बन करके इतनी अच्छी ना होती, ठीक। इसीलिए
प्रोसेस मेथड में यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड सीक्वेंस यूज किए जाते हैं, और दूसरा स्पेसिफिक और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इज यूज फॉर द पर्पस। ठीक है, तो ये तो आपकी दो हेडिंग्स पूरी हुई। अब आइए बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक है ये है प्रोसेस और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं और फिर चलेंगे आगे। अभी बात करते हैं प्रोसेस और प्रोडक्शन प्लानिंग की, जिसमें पहला है रूटिंग। रूटिंग का मेन मतलब होता है पार्ट डिसाइड करना कि हमें क्या कैसे कब कितना किसके साथ करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम प्लानिंग एक्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले से कंटेंट देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ यानी रूट ऑफ वर्क एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कितना काम करना है और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होंगे इसको डिसाइड करना है। फिर है रूटिंग फोकसेस इन एडवांस मेनली ऑन पहला द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमको बनाना है, द मैन मशीन मटेरियल्स एटसेक्टर टू बी यूज्ड, यानी कितना मैन पावर, कितना मशीन, कितना मटेरियल, कितना कैपिटल यूज करना है उसको हम प्री डिसाइड करते हैं। फिर है द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, हमको एग्जैक्टली इसको बनाना कहाँ है। अगर वो कोई फास्ट फूड टाइप की चीज है तो उसको हम शहर में बनाएंगे यानी अर्बन एरियाज में बनाएंगे, लेकिन अगर वो कोई जनरल चीज है जो कि हर कोई यूज करता है तो उसे हम सब अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया, सब अर्बन एरिया और अर्बन एरिया, इन तीनों जगहों पे बनाएंगे। ठीक, और लास्ट है द टाइप नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। बिल्कुल, हर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन में हो जाएगा, किसको तीन चार स्टेप्स लगेंगे बनने में, ये सारी चीज हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि रूटिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है आपको ये बताने का कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है क्योंकि आप इसमें प्री प्लान होकर के तब चलते हैं। ठीक है, सेकेंड आपको बात करता हूँ शेड्यूलिंग की। सेकेंड है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग और कुछ नहीं है, जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, इस दिन से शुरू किया है तो हमको इस दिन पे खत्म कर देना है, ये सारी चीजें शेड्यूल में आती है, और यही शेड्यूलिंग आपके प्रोडक्शन प्लानिंग में भी फॉलो की जाती है। लेट्स सी, पहला है फिक्स द अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, कितना हमें काम करना है ये फिक्सेशन है। दूसरा है अरेंज डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी हमें जो जो करना है जितना करना है उसको अपनी प्रायोरिटी में, तो पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, हम उसके ऑर्डर में उसको सीक्वेंस कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड है फिक्स द स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग डेट एंड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, यानी हमें हर ऑपरेशन की स्टार्टिंग कब करनी है, उसे कंप्लीट कब करना है, डेट एंड टाइम, ये सब कुछ हम शेड्यूलिंग में फिक्स कर लेते हैं ताकि कहीं भी कोई कमी ना रहे और ना ही कोई लेट लतीती हो। ठीक है, फिर इट इज लाइक अ टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने कहा था कि हम लोग अपनी लाइफ में भी टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी टाइम टेबल फॉलो किया जाता है, और उसको और कुछ नहीं, टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन के सेंस में ही देखा जाता है। सिमिलर टू द टाइम टेबल प्रिपेयर्ड बाय द रेलवेज। रेलवेज का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि रेलवेज में भी होता है ना कि हर कौन सी ट्रेन कितने बजे किस प्लेटफॉर्म पे आनी है, कितने मिनट के बाद उसको मूव करवाना है, ये सारी चीजें रेलवे डिसाइड करता है। वैसे ही ठीक वैसे ही हम अपने प्रोडक्शन को भी टाइम मतलब वर्क अमाउंट ऑफ वर्क फिक्स कर देते हैं, डेट एंड टाइम फिक्स कर देते हैं, स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग फिक्स कर देते हैं, बाकी चीजें तो सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, अब है बात है टाइप्स ऑफ शेड्यूल की। तो तीन तरीके के शेड्यूल होते हैं, मास्टर शेड्यूल, ऑपरेशन शेड्यूल एंड डेली शेड्यूल। ठीक, मास्टर शेड्यूल वो है जिसमें हम सारी मतलब जैसे होती है ना मास्टर की हर कमरे एक ही चाबी से खुल जाएंगे, वैसे ही मास्टर शेड्यूल भी होता है, उसमें हम ऑपरेशन शेड्यूल, डेली शेड्यूल या मंथली शेड्यूल सब एक साथ इन्वॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन शेड्यूल की बात करूं तो इसमें ओवरऑल ऑपरेशन को देखा जाता है, जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट का ऑपरेशन मेन देखते हैं। ठीक है, और डेली शेड्यूल में तो भाई पर डे क्या काम करना है हम उसको ऑलरेडी देख करके डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं जो कि है आपका डिस्पैचिंग। लेट्स सी ऑन दैट, इट्स टाइम फॉर डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में कुछ नहीं है, इसमें एक ऐसा इसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इस वजह से हम मैं सीधे सीधे ऑनलाइन शॉपिंग एग्जांपल लिए लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल या जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज, हम क्या करते हैं उस पर सर्फिंग की, अपना मतलब जो अपना प्रेफरेंस देखा, समझ में आया, पसंद आया, हमने उसको क्या किया, ऑर्डर बुक किया। ऑर्डर बुकिंग में क्या करते हैं, कितने यूनिट्स चाहिए और किस प्राइस पे हमको मिल रहा है वो हम देखते हैं। ठीक, उसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमको वो
टाइम ड्यूरेशन दे देता है कि इतने दिन में आपका सामान आपके पास पहुंचेगा, आपको इतना पे करना है। पेमेंट के भी दो मेथड देता है, एक ऑनलाइन पेमेंट और एक कैश ऑन डिलीवरी देता है। ठीक, तो उसमें करते क्या है, वो वहां से यानी मीन जिसके आप सामान जो मंगवाते हैं ऑनलाइन, क्या वो ऐसे उठा के आपके हाथ में रख देता है? नहीं, उसको प्रॉपर रोल करता है, प्रॉपर पैकेजिंग करता है, ताकि उसको किसी भी डैमेज से बचाया जा सके। इस डैमेज को रेस्क्यू करने के लिए ही उसने पैकेजिंग वगैरह की होती है। सेम चीज ऑलमोस्ट यहाँ भी होता है, आइए इसको देखते हैं। एक्शन डूइंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। सेकेंड है इश्यू ऑफ मटीरियल्स, टूल्स, फिक्स्चर्स एक्सेट्रा विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो भाई वहां भी ऑनलाइन शॉपिंग में भी तो यही है कि वहां भी तुम यही कर रहे थे, हमने ऑर्डर प्लेस किया तो वो, जैसे मान लो जूते का ऑर्डर प्लेस किया, तो क्या वो जूते को डिब्बे में रख ला के आपके हाथ में रख देता है? नहीं, वो करता क्या है भाई, जूते को लेंगे, उसको प्रॉपर टेपिंग करेंगे, उसके ऊपर से अपनी कंपनी का एक कवर लगाएंगे, यानी पैकेजिंग कवर लगाएंगे। अगर अमेजन से किया तो अमेजन का पूरा वो स्काई ब्लू की जो स्काई ब्लू कलर की जो पॉलिथीन यूज होती है वो होगी, और अगर फ्लिपकार्ट से है तो वो बकायदा वो कार्डबोर्ड में पूरा एक पैक होके आता है। ठीक, अलग अलग पैकेजिंग से वो चीज है। यहाँ पे इशू ऑफ मटेरियल्स, टूल्स, फिक्स्चर्स एक्सेट्रा विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। इशू ऑफ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा फॉर स्टार्टिंग डिवर, ऑब्वियसली यानी आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आपको एक ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ आप ये काम शुरू कर दो। ठीक है, फिर है मूविंग डिवर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी आपको किया करना पड़ता है डिस्पैचिंग के अंदर। ठीक है, तो इसका आखिरी बचा हुआ है जो कि है आपका फॉलो अप, आइए इसको देखते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जस्ट होल्ड, लास्ट टाइप ऑफ फॉलो अप, इसमें ये फॉलो अप एग्जैक्टली मैं ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों के एग्जाम्पल लेते हुए समझाता हूँ। मेरे जब हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर डिलीवरी के बाद होता है ना कि अगर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो, या फिर वो जैसे जो भी डिलीवरी मैन है वो करता क्या है, आप वो कहते हैं ना कि सर प्लीज फीडबैक कर दीजिएगा, तो फॉलो अप एक तरीके से फीडबैक भी होता है और कंट्रोलिंग डिवाइस भी होता है। कंट्रोलिंग डिवाइस इस वजह से कि जो सामान आपको डिलीवर किया गया वो उस पर्टिकुलर डिजायर का था, यानी उस नीड का था जो आपने एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था। अगर नहीं था तो आप उसे रिटर्न करवा देते हैं। ठीक, और जिस सर्विस मैन ने आपको डिलीवर किया वो अपने लिए फीडबैक मांगता है कि भैया कि हमारी सर्विस कैसी लगी तुमको, मतलब जितने दिन में हमने तुमको मतलब कहा डिलीवर करने के लिए स्टिपुलेटेड टाइम दिया, क्या हमने उतने दिनों में डिलीवर किया या उससे पहले किया या उसके बाद किया, तो अगर आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है तो गुड लिख करके उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो भाई ऑनलाइन कंपनी का फीडबैक कर देते हैं कि हाँ ये गुड, हमें ये पर्टिकुलर सामान हमें अच्छा लगा, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार व्हाटएवर जो भी आप रेटिंग उसको देना चाहें, तो वही चीज यहाँ होती है फॉलो अप में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग डिवाइस है, पहले बता दिया, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, इवैल्यूएशन में वही है कि 2 स्टार 3 स्टार 3.5 स्टार 4 स्टार जो भी रेटिंग आपको देनी है। फिर है फाइंड्स आउट एंड रिमूव्स डिफेक्ट्स डिलेस लिमिटेशंस एटसेट्रा। डिफेक्ट्स इस वजह से क्योंकि जैसे आपने सामान डाला मार्केट में और आपको नहीं पता था कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे या कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन जब कंज्यूमर ने कंप्लेन, यानी कस्टमर जिसको हम लोग जनरली कस्टमर कहते हैं, कस्टमर ने कंप्लेन की कि हाँ इसमें ये मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी ली तो गाड़ी में गियर शिफ्टिंग में दिक्कत है तो उसने कंप्लेन की, और अगर कोई खाने पीने की चीज है तो उसमें कहेगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं है या ये पुराना है या कुछ ऐसा, कुछ भी जो भी डिफेक्ट उसने नोटिफाई किया उस नोटिफिकेशन को आप कंसिडर करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, डिलेज मतलब जिस समय सामान पहुंचना चाहिए था उस समय नहीं पहुंचा, उसके बाद पहुंचा, तो ये डिलेज को भी फॉलो अप कंट्रोल कर लेता है। और फिर लिमिटेशंस में जैसे कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं बेनिफिट डिलीवरेंस है वो कम हो या जो एक्सेस लिमिटेशंस है वो कम हो, ये सब चीजें। और लास्ट है इट मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेड, यानी हमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था और हमने एक्सपेक्ट क्या किया था इन दोनों में कंपैरिजन कर देता है। ठीक है, तो आज ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और भी आपके अदर कंटेंट्स होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।